तो आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी के एग्जांपल को सिखाने हमको हैं। एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब कंपाउंड दिए गए सी एच फोर एन एच थ्री एच टू ओ एच एफ सिक्स आई एफ सेवन एक्स सी एफ फोर एक्स सी एफ टू जिनॉन हेक्साफ्लोराइड जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड पी सी एल फाइव बेरियम क्लोराइड बी सी एल थ्री पी सी एल थ्री बी एच थ्री। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ आपको भी करने हैं कुछ हम भी करके दिखा दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल। अब एक वीडियो इसमें देखिएगा अच्छे से। जैसे हमने मेथेन मालिक्यूल लिया, ये मैंने आपको पहले भी करा चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा। सी एच फोर मालिक्यूल लिया, मेथेन मालिक्यूल लिया, इसका कार्बन लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे वन एस का टू टू एस का टू टू पी का टू टू एस का टू टू पी का टू, ये बैलेंसल हो गया। तो ये मैंने बना दिए दो इलेक्ट्रॉन्स के, दो इलेक्ट्रॉन इसके। अब देखिएगा यहाँ पे केवल दो वैकेंसी खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा जो हाइड्रोजन है कितने, यहाँ पे चार है। तो आपको मालूम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तभी कुछ ऐसा बन गया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ और तीन हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया तो एस पी थ्री हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, फोर। लोन पेयर कितना हो गया, जीरो। हेंच करेक्ट ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर एब्सेंट। यहाँ पे लोन पेयर नहीं है इसलिए बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री कैसी होगी, करेक्ट होगी। तो ये मैंने ज्योमेट्री बनाया, ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। ये जो एंगल है कितना है, 109.28 मिनट। ये भी एंगल है, ये भी एंगल, ये भी एंगल, सब कोल होंगे ये एंगल चारों। क्लियर है बेटा यहाँ। अब देखिएगा इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने और सॉल्व किया अमोनिया का। तो एन एस नाइट्रोजन क्या होगा, वन एस का टू टू एस का टू टू पी का थ्री टू एस का टू टू पी का थ्री हो गया, वहाँ बैलेंसल हो गया। तो ये आपने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा तीन हाइड्रोजन लगा रहे तो तीन वैकेंसी भी यहाँ क्रिएट हैं खाली है, यहाँ पे तीन वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे बाहर हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बोला एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसा था वैसा यहाँ भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया तीनों बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर थ्री, नंबर ऑफ लोन पेयर वन। इसका मतलब ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्री मैंने बनाई, ट्रायगोनल पिरामिडल बनाई मैंने, बॉन्ड एंगल 107.28 मिनट हो गया ये। अब मैंने एक और एग्जांपल सॉल्व किया है, ये एच टू का लिया है, ऑक्सीजन तो वन एस का टू टू एस का टू टू पी का फोर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा टू एस का टू टू पी का फोर। अब देखिएगा दो हाइड्रोजन लगाए तो दोनों वैकेंसी यहाँ पे खाली है, तो दो हाइड्रोजन लगा दिया, ए बी एस पी थ्री हो गया। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, दो। लोन पेयर कितना हो गया, दो। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये और डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ये वेस्पर थ्योरी ही बता पाती है। इसका बॉन्ड एंगल इतना हो जाएगा 107.28 मिनट, मतलब कितना था, 109 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के कितना आ गया, 105 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसका मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। इसकी शेप ज्योमेट्री होती है वी शेप या वेंट शेप, इसको हम लोग बोलते हैं। एक एग्जांपल अब देखिएगा, एक एग्जांपल अबनोन हमसे बोला था कि सर इसका बताइएगा, जीनॉन ऑक्सी जीनॉन डाइफ्लोराइड एक्स सी एफ टू। तो जीनॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 54 होता है तो 5s का 2 5p का 6 आएगा। तो ये हमने कर लिया 5s का 2 5p का 6। अब देखिएगा पूरी वैकेंसी क्रिएट है यहाँ पे, खाली मतलब भरी हुई है, वैकेंसी कोई क्रिएट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे दो फ्लोरीन लगाएं तो इसके इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में भेजना पड़ेगा। तो हमने डी में एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो एक वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई, ये वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो गई। तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, तो एक एस का हो गया, तीन पी के हो गया, एक डी का हो गया। तो ये हो गया बेटा एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर दो, एक फ्लोरीन, जहाँ जहाँ फ्लोरीन लगेंगे वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बेटा, जहाँ नहीं लगाएंगे वो लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसकी वैसे क्या होता है, टी बी पी होती है एस पी थ्री डी की, लेकिन यहाँ पे तीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर आएंगे तो इसके लिए ये ज्योमेट्री लीनियर होगी। और ये तीनों लोन पेयर हमने आपके दर्शा दिए हैं, क्लियर है। अब जो आपके एग्जाम्पल ये दिए गए हैं इसको एक बार और अच्छे देख लीजिएगा, जो एग्जाम्पल आपको ये दिए गए हैं इसको आपको खुद सॉल्व करना है। जो नहीं आता है उसको आप व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप ग्रुप में कमेंट करिएगा, उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है। ये बुक आपके पास हो, बुक में जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हो या जो भी एक्सरसाइज दी गई हो उसको अच्छे से करिएगा सॉल्व,
प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग।